Hello, good evening. A warm welcome to you in this live interactive session of NCERT. You all are watching us on eVidya channel number 9, and this is a session of mathematics, and we are going to learn today in this particular session triangles part 1. As this is a topic triangles, and we are going to take in some parts, and this is a part 1. And we have an expert, ma'am, Beena Prakash. You are a senior PGT Mathematics Campion School, Bhopal. Ma'am, a warm welcome you in this session. Thank you. Thank you, Srijanji. And good afternoon to all my learners. Good afternoon. So you all are connected with us, eVidya channel number 9. And beside this, you can connect with us because this is a live interactive session. We welcome your all questions and queries. My name is Srijan Rajput, and you all viewers can connect with us through our contact number that is on your screen. It's 8800440559. Beside this, you can also mail us on dth.class9@ciet.nic.in. So before moving this topic, हम इस chapter को इससे पहले की जाने triangle 1 mathematics में, आइए वीना प्रकाश मैम से connect करते हैं और मैम से जानते हैं कि triangle, क्योंकि इससे पहले हम triangles के बारे में अगर हमने कक्षा 9 से पहले पढ़ा है before class 9, तो हमने क्या जो है learn किया है और आज के topic में हम क्या triangle part 1 में learn करेंगे मैम, please. Yes, thank you Srijan ji. ये हमने triangle का word सुना होगा, triangle सबने सुना है ये बच्चों. ट्रायंगल एक फिगर का नाम है. कौन सा फिगर है? जिसके थ्री साइड्स होते हैं. यस मैम. तो ट्रायंगल्स जो वर्ड है, इट इज कनेक्टेड टू अ थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर. ठीक है, क्लोज्ड फिगर, इसके तीन साइड्स होते हैं, उसको ट्रायंगल बोलते हैं. अब इस ट्रायंगल के बारे में हमने ये सुना है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे एक एंगल है ये, दिस इज वन एंगल, ये दूसरा एंगल है. जस्ट अ मिनट. एक मिनट इसको. सो आप सभी अपनी स्क्रीन पर ट्रायंगल्स देख रहे हैं. स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करके मेरे को. हाँ, नाउ इट्स ओके. नाउ इट्स ओके. सी, क्लियर है? यस मैम. हाँ, नाउ जैसे ये एक एंगल है, ये तो ये हमने पढ़ा है कि ये तीन जो एंगल्स है, दिस इज वन वर्टेक्स, दिस इज अनदर वर्टेक्स, ये थर्ड एंगल है. तो हमने एक इंफॉर्मेशन पढ़ा है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल, ये हमेशा 180 डिग्री होता है. फाइन जी, ये एक इंफॉर्मेशन. और दूसरा एक इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा है कि टू साइड्स, आप कोई भी दो साइड्स का मेजर ले लीजिए, उसका लेंथ जो है हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा रहेगा. आप कोई भी साइड का, बी सी प्लस ए सी ले लीजिए, उसका भी लेंथ हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होगा. तो ये इंफॉर्मेशन हमने छोटे क्लास में पढ़ा है. नाउ अब आगे जाएंगे अपन. इस साल जैसे आप लोगों को एक और वर्ड हमने छोटे क्लास में पढ़ा है, बट उसको डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ा, वो डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे इसको. कॉन्ग्रुएंस वर्ड, एक वर्ड है कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग ये है कि इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट. ओके, इट इज इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट. नाउ इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने एक फिगर दिया यहाँ पे, एक ट्राइंगल एबीसी. अब यहाँ इस ट्राइंगल को देखिए आप ध्यान से, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, अगर मैंने उसको एपीसी के ऊपर रखा तो आपको लगेगा कि दोनों ओवरलैप करेगा. ओके, है ना? जैसे अगर आपने एक सर्कल बनाया, उस सर्कल का एक रेडियस, फिक्स रेडियस लेते हैं जी, तो मान लो 2 सेंटीमीटर रेडियस लेते हैं, तो आपके पास जितने भी सर्कल्स हैं 2 सेंटीमीटर के, एक के ऊपर एक ही रहेगा ना. यस, जितने भी आपके A4 साइज शीट्स है, आप केप के ऊपर एक पाइल अप करके रखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट एक सिमेट्रिक, वो एक आप पाइल अप करते जाएंगे तो आपको एक क्यूबॉइड बनेगा. इसका मतलब है वो एक के ऊपर हम रख पा रहे हैं, तो दैट इज कॉन्ग्रुएंट. दैट इज, वो दो A4 साइज शीट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है. वैसे ही ये जो ट्राइंगल्स, ये दोनों अगर आपने इसको एक दूसरे के ऊपर रखा, सुपर इम्पोज किया, तो वो बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो ये है डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंस का. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल हम कनेक्ट कर रहे हैं हमेशा अभी दो ट्राइंगल्स को, इन कौन कौन से ऐसे ट्राइंगल्स होंगे जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे. जैसे आपको ये मैंने टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल दिया है, जैसे ये एक फिगर है, इस ट्राइंगल में एबीसी एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको.
यस मैम, इसमें एक साइड 4.5 सेंटीमीटर है, एक साइड 4 सेंटीमीटर है और तीसरा साइड 5 सेंटीमीटर है। अब आप इसमें से कोई एक ऐसा फिगर ढूंढिए जहां आपको ये ही डायमेंशन के साइड्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट वाले फिगर में देखिए, नेक्स्ट वाले में भी आपको 4 दिख रहा है, 4.5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के जो साइड्स है वो सेम सेम दिख रहे हैं। दैट इज ए बी का जो लेंथ है, मेजर ऑफ लेंथ ए बी एंड मेजर ऑफ लेंथ ए बी का लेंथ 4.5 है, इसमें क्या दिख रहा है आपको पी क्यू, इसका मेजर दोनों 4.5 है। वैसे मेजर ऑफ साइड, दिस इज लाइन सेगमेंट मैंने लिया है, लाइन सेगमेंट, मेजर ऑफ साइड ए सी, ए सी, ए सी का लेंथ और मेजर ऑफ दूसरे ट्राइंगल में, मेजर ए सी इसमें क्या है 4 सेंटीमीटर है, इस वाले ट्राइंगल में कुछ दिख रहा है आपको? यस मुझे दिख रहा है, आर पी आपको भी दिख रहा होगा, इसका मेजर 4 सेंटीमीटर है। और थर्ड ट्राइंगल देखिए, थर्ड साइड देखिए बी सी, बी सी का लेंथ एंड थर्ड साइड इस ट्राइंगल में है आर क्यू का लेंथ, दे आर ऑल्सो इक्वल टू 5। इसका मतलब ये दो साइड्स, ये दो ट्राइंगल्स ऐसे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स ऐसे हैं कि अगर आपने 4 को 4 के ऊपर रखा, 5 को 5 के ऊपर रखा, 4.5 को 4.5 के ऊपर रखेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रह जाएंगे, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, ऐसे आपको मुझे ये थर्ड वाला ट्राइंगल भी दिख रहा है, आपको क्लियरली इसके भी तीनों साइड्स ऐसे हैं कि 4, 4.5 और 5 सेंटीमीटर का साइड्स है। फोर्थ ट्राइंगल में भी वही दिख रहा है। अब फिफ्थ ट्राइंगल में देखिए, फिफ्थ ट्राइंगल है 5, 5, 5 सेंटीमीटर, इसमें क्या दिख रहा है कि इसके एक साइड सेम दिख रहा है, बाकी दोनों साइड्स अलग दिख रहा है। तो अगर आपने ये 4.5 के ऊपर आपने BC रखा, यहां अगर आपने BC रखा, मैं आप यहां BC रख देती हूं, क्या A S पर होगा? A will not be on S, क्योंकि अगर हमने उस ट्राइंगल अगर हम बनाएंगे, हमको ये कि बी ए का जो लेंथ है, बी ए का लेंथ 4.5 मतलब 5 से थोड़ा सा कम, तो बी ए कहीं यहाँ कहीं आएगा, है ना, एंड देन ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी को भी करने के लिए आपको एंगल थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो ए पॉइंट ट्राइंगल के अंदर होता हुआ लग रहा है मुझे। देखिए तो इसका मतलब क्या है, जब हमने ए बी सी को बी सी एस टी क्यू एस टी यू ट्राइंगल के ऊपर रखा तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके दो साइड्स जो है अलग अलग है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये और ट्राइंगल एस टी क्यू, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बाकी तीनों एक के ऊपर एक रखोगे तो ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या क्राइटेरिया दिख रहा है कि दो जो एलिमेंट्स जो हम कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं, यूजुअली हम फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ही कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हम कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, जो फिगर्स जो हमारे पास है, जैसे सर्कल है, सर्कल के साथ सर्कल है तो दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए, स्क्वायर है तो दोनों के साइड सेम होना चाहिए, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल, जैसे ए फोर साइज है तो ए फोर साइज का जो लेंथ एंड ब्रेथ है, दोनों रेक्टेंगल, दोनों ए फोर साइज के लेंथ एंड ब्रेथ सेम रहेगा तो हम एक के ऊपर एक रख सकते हैं, वैसे ही ट्राइंगल्स भी। अब ट्राइंगल्स का क्या प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल्स में, एक ट्राइंगल आप जब बनाते हो तो उसके साइड्स के मेजर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे ये वाला ट्राइंगल का मेजर क्या दिख रहा है आपको कि तीनों साइड्स सेम है, ये तीनों साइड्स सेम है, और ये ट्राइंगल का क्या दिख रहा है आपको कि तीनों साइड्स का मेजर अलग है, तो ये दो टाइप ऑफ ट्राइंगल्स हो रहे हैं। एक ट्राइंगल को बोलते हैं दिस इज जस्ट अ स्केल इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल जो तीनों साइड्स इक्वल है इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये चीज आपको सर्कल और क्वाड्रिलैटरल, ये स्क्वायर रेक्टेंगल में नहीं दिखेगा, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल्स के ईच एंगल्स 90 डिग्री होने के कारण एक स्पेसिफिक रेशियो में दिखेगा आपको, लेंथ एंड ब्रेथ दिखेगा, बट सर्कल में रेडियस के एलिमेंट, रेडियस ही एक एलिमेंट है जो सर्कल बनाता है, तो एक रेडियस से ही हम डिसाइड करते हैं। बट ट्राइंगल्स का ऐसा है कि ट्राइंगल्स जब आप बनाते हैं तो आपको साइड्स के अलावा एंगल्स के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए, दो एंगल, दो साइड्स के बीच के एंगल्स के भी बारे में मालूम होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल जो है 6 एलिमेंट से बनता है, दैट इज 3 एंगल और 3 साइड से बनता है। तो हमने ये देखा है कि जब 3 साइड्स सेम है तो उस ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं, जब 3 साइड अलग है तो वो स्केलिन ट्राइंगल होते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके के ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है कभी भी, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हमें फिर क्या रीजन हो सकता है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंसी का, वो देखना है, दैट इज क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल मैं इसको इस तरह से समझाती हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने दिया, जैसे हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन व्हेन वन कंडीशन इज गिवन, वन कंडीशन मतलब
दो ट्राइंगल्स मैं बनाना चाह रही हूँ, उसमें ऐसे एक गिवन चीज है, तो मैंने जैसा दिया यहाँ पे मेजर ऑफ साइड ए बी, एक ट्राइंगल है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, जैसे आपने देखा यहाँ पे साइड 6 सेंटीमीटर, तो अब मुझे ट्राइंगल बनाना है तो एक और पॉइंट ढूंढना पड़ेगा. मैंने ए बी 6 सेंटीमीटर तो बना लिया, दिस इज ए बी 6 सेंटीमीटर, अब मुझे एक और पॉइंट से ही वो ट्राइंगल कंप्लीट होगा ना. वो ट्राइंगल वो पॉइंट कहाँ ढूंढू, पॉइंट तो मुझे कहीं भी यूज कर सकती हूँ, मैं ये कहीं भी यूज कर सकती हूँ एक पॉइंट, तो ये पॉइंट यूज करूंगी तो ये ट्राइंगल बनेगा मेरा, ये पॉइंट यूज करूंगी तो ये ट्राइंगल बनेगा, बन रहा है कि नहीं हमेशा विद सेम बेस ए बी. यस मैम. कोई चीज मैं यहाँ पे शो की हूँ कि एक जो पॉइंट सी आप कहीं भी इस प्लेन के ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते, ए बी के ऊपर ले सकते या नीचे ले सकते, तो आप कहीं जहां भी लिया है, तो जैसे मैंने फर्स्ट केस यहाँ सी है, तो उसमें क्या है आपको ये जो ट्राइंगल बना है आपका ए बी सी, और ये जो ट्राइंगल बना ए बी सी, आपको लग रहा है क्या ये दोनों को सुपर इम्पोज करें, आप एक के ऊपर एक चढ़ाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहेगा करके? नो मैम. वैसे ही आपको दिख रहा है ये भी, ये तो ये भी इसके नियर बाय साइड लेंथ दिख रही है, ए सी लेंथ थोड़ा छोटा दिख रहा है मुझे, ए बी सी लेंथ थोड़ा इस वाले ट्राइंगल का छोटा दिख रहा है, बी सी इसका बड़ा, तो कभी भी वो एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेगा. और यहाँ तो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है एंगल, मेजर ऑफ एंगल ए जो है इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये हमने पिछले क्लास में किया, ये एक्यूट एंगल है, तो ये कभी भी एक दूसरे के ओवरलैप नहीं करेगा. इसका मतलब कि एक कंडीशन अगर दिया है तो हम कितने टाइप ऑफ ट्राइंगल्स बना सकते हैं, कितनी ट्राइंगल्स हमारे बनेंगे, बहुत सारे ट्राइंगल्स बनाए ना, जैसे तो कितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो आंसर क्या है इसका, मेनी ट्राइंगल्स. दैट मीन्स दो ट्राइंगल्स के बीच में अगर एक ही कंडीशन हमारे पास दिया है तो वो कॉन्ग्रुएंस के लिए हम यूज नहीं कर सकते, हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में नहीं बात कर सकते हैं. ये है इसका मीनिंग, सिर्फ एक कंडीशन में हम कॉन्ग्रुएंस डिस्कस नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अगर मान लो दूसरा क्वेश्चन जैसा है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद टू कंडीशन, अब दो कंडीशन दिया है, जैसे ये कंडीशन क्या दिया पहला वाला, कि ये साइड भी दिया है, एक साइड का मेजर जैसे ए बी साइड मेजर, और एक मेजर एंगल का भी दिया है, तो मेजर एंगल का मेजर 35 डिग्री दिया, यहाँ 35 डिग्री दिया, यहाँ 35. फिर भी अगर मान लो आपके पास एक साइड है और एक एंगल है 35 डिग्री, जैसे ये एंगल का मेजर है 35 डिग्री, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब हम आगे क्या बनाना चाह रहे हैं, ट्राइंगल बनाना चाह रहे हैं. ट्राइंगल बनाने के लिए क्या यूज करना है, हमें एक पॉइंट यूज करना है. yes, तो मैंने अगर पॉइंट सी यहाँ यूज किया तो ये हमारा एक ट्राइंगल बनेगा ए सी बी. यस मैम. है ना. अब ट्राइंगल बनने के लिए मैं पॉइंट यहाँ भी यूज कर सकती, वाई आई एम यूजिंग ऑन दिस लाइन, ये लाइन के ऊपर क्यों बना रही, क्योंकि मेरे पास ये मेजर है एंगल ए बी सी का मेजर है 35 डिग्री, इसको नहीं चेंज कर रही हूँ मैं, तो इस पर अगेन क्या दिख रहा है मुझे, कई पॉइंट्स दिख रहे हैं मुझे, देखो कई पॉइंट्स, आप जो भी पॉइंट्स यूज करेंगे अब एक ट्राइंगल हमारा बन जाएगा, अब जिस भी पॉइंट्स यूज करेंगे ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा, ये एक ट्राइंगल बनेगा, फिर क्या दिख रहा है, सेम सिचुएशन. Yes, ma'am. ये भी वो सिचुएशन, दैट इज दो कंडीशन से भी हमें इनफाइनाइट ट्राइंगल्स बनता है, यूनिक ट्राइंगल बनना जरूरी नहीं है. इसका मतलब अगेन कॉन्ग्रुएंस के लिए भी दो कंडीशन यूज करके हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं कर सकते हैं. हम एक्चुअली क्राइटेरिया ढूंढ रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स को किस तरह से क्या देख के हम दो ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस ले सकते हैं. ठीक है. तो अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा ट्राइंगल. एक तीसरा ट्राइंगल ऐसा बनाया है जिसका कंडीशन ऐसा है कि तीन गिवन कंडीशन है. तीन गिवन कंडीशन मतलब साइड भी दिया है, जैसे एक साइड दिया है, एक साइड का मेजर है, साइड का मेजर है ए बी, वो तो फिक्स किया है इन्होंने, एक साइड का मेजर है ए बी, इस तरफ एंगल इज 75 डिग्री. ठीक है. तो हमने कंपास से 75 डिग्री ले लिया हमने. ठीक है. नाउ इस तरफ का मेजर है 60, 35 डिग्री. क्योंकि हमको जो सी, ये जो पॉइंट जो भी होगा, ये पॉइंट अगर सी कहीं भी हो, ये अगर सी नहीं है, मान लो इसको सी डैश, ये सी डैश ए और बी का मेजर 35 डिग्री, सी डैश बी और ए का मेजर 35 डिग्री, इस पॉइंट के अलावा कोई ऐसा पॉइंट दे सकता है क्या हमें कि ये सी, इसका मेजर 75 डिग्री हो सकता है या इसका दे सकता है क्या?
आपको लग रहा है क्या देख के? नहीं मैम. नहीं, तो इसका मतलब वो जो सी पॉइंट है वो इसी लाइन पे है, ठीक है, दोनों के इंटरसेक्शन पे. तो अब आप बताइए, इसके अलावा कोई भी ट्राइंगल बनाने की कोशिश करोगे तो आप बन पाएगा क्या? नो, नॉट पॉसिबल मैम. दैट मीन्स यहाँ क्या कंक्लूशन हुआ है कि हमारे पास दो तीन इंफॉर्मेशन थे. व्हाट आर द थ्री इंफॉर्मेशन? एक साइड था और दो एंगल्स थे. तो हमने एक फिक्स्ड ट्राइंगल बनाया. दैट मीन्स हमें कंस्ट्रक्शन के लिए क्या, सॉरी, कॉन्ग्रुएंस के लिए क्या कंडीशन ढूंढना है? तीन कंडीशंस. जैसे यहाँ पर एक साइड दिया है, दो एंगल्स है, ऐसे कौन कौन से और कंडीशन से हमारे ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते. दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिला हमारे पास? यूनिक ट्राइंगल. ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हमें यूनिक ट्राइंगल बना. फाइन. तो फर्स्ट थिंग दैट इज मिनिमम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्राइंगल सेम एज ऑफ द ओरिजिनल ट्राइंगल. दैट इज हमें एक ट्राइंगल दिया, उसी ट्राइंगल के एग्जैक्ट सेम कंडीशन से कौन सा कितने ट्राइंगल हमें मिनिमम कंडीशन चाहिए कि हम सेम ट्राइंगल बना सकते हैं. वी रिक्वायर थ्री कंडीशन. ठीक है, नाउ बिल्ड टू ट्राइंगल्स विद एनी थ्री कंडीशन. थ्री कंडीशन का मतलब यहाँ अगेन मैं बता रही हूँ, थ्री कंडीशन की बात क्या कर रही हूँ मैं, कि दो साइड्स अपने पास साइड्स है ए बी बी सी. मैं स्पेसिफिकली एक ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ. और देन वी हैव एंगल ए, वी हैव एंगल बी एंड एंगल सी. तो कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक है, साइड तीन एंगल्स. अब इनमें से कितना मिनिमम कंडीशन चाहिए अपने को एक ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए? जैसे आपने देखा यहाँ पे तीन चीजें दिया था मैंने, दो एंगल और एक साइड दिया था. तो हमने एग्जैक्टली एक ही ट्राइंगल बन, एक ही टाइप ऑफ ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल बन रहा है ना, हमेशा वही वही ट्राइंगल बनाते जा रहे हैं. दैट मीन्स यूनिक ही ट्राइंगल बनेगा. तो मिनिमम थ्री कंडीशंस चाहिए हमें. Now the question is, any two will, अब condition, अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, will two triangles with any three conditions be congruent? Okay. Any three conditions be congruent का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको दिख रहा था दो एंगल, we had two angles and one side. Yes. So this is a particular situation where two angles and a side is mentioned. तो क्या हम दो एंगल, एक एंगल और दो साइड्स यूज करके एक यूनिक ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? ये पूछ रहा है. अब समझ में आ रहा है? एक एंगल का मेजर दिया है, कोई भी एक एंगल, ठीक है, और दो साइड्स दिए हैं, कोई भी दो साइड्स. कैन वी हैव दिस एज द कंडीशन क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस? ये पूछ रहा है. अब देखिए मैंने जैसे ये लिया है, इसमें क्या दिखा है ना, मेजर ऑफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर. ए बी का मेजर 3 सेंटीमीटर है. एक और दूसरा ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स है, ए बी सी और पी क्यू आर. आपको दिख रहा है दो ट्राइंगल्स ए बी सी पी क्यू आर? यस मैम. तो आर क्यू का मेजर 3 सेंटीमीटर है, आर क्यू का मेजर 3 सेंटीमीटर है. ठीक है, नाउ बी सी का मेजर 5 सेंटीमीटर. बी सी इज 5 सेंटीमीटर एंड क्यू पी इज 5 सेंटीमीटर. क्यू पी इज 5 सेंटीमीटर. ओके. And QRP, measure of QRP, इस angle का measure 55 degree है, ABC का measure 55 degree. तो हमारे पास दो side आ गए अपने पास equal. कौन सा? AB is equal to RQ is equal to 3 centimeter and then BC is equal to QP is equal to 5 centimeter. और एक angle है angle B and angle एक R है, that is 55 degree. अब आप देखिए दोनों triangles को, ऐसा लग रहा है क्या कि आप इस ट्राइंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये एक के ऊपर एक होगा, सुपर इम्पोज होगा? नो मैम, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये लेंथ तो काफी ज्यादा दिख रहा है, ये मेजर 55 डिग्री सही है. ये जो आर्म है, ये जो आर्म, ये इसके ऊपर आ जाएगा बी की, ए बी के ऊपर, एंड आर पी जो आर्म है वो भी बी सी के ऊपर आएगा. बट आर की जो लेंथ जो है, वो लेंथ जो है वो ए बी सी से ज्यादा दिख रहा है मुझे कहीं. तो ये तो ट्राइंगल अलग ही बना है ना. yes, तो ये क्राइटेरिया है. एक मिनट, आई शो यू वन मोर थिंग. ये देखिए देखिए ये जो ट्राइंगल, वही मैंने सेम ट्राइंगल यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन इसमें लिया है. देखिए ए बी का साइड
ना ये कंपास से मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेंथ देखिए, ए क्यू क्यूपी का लेंथ दिख रहा है ना, कंपास से देखा क्यूपी का लेंथ दिख रहा है ना। अब आप क्यूपी को इधर लेकर आई, मैं देखिए ये देखो सी के ऊपर ही है ना, चेक करिए। यस मैम, चेक करिए सही एग्जैक्टली। यस मैम, वो एक्चुअली दिख नहीं रहा था बट नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड ना, बीसी एंड आरपीक्यू का लेंथ सेम ही है। तो व्हाट वी फाइंड इज हम इन दो ट्रायंगल्स को कभी भी सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं। yes. तो इसका मतलब भी यही हुआ ना कि इट इज नॉट कि एनी टू एनी कंडीशन कैन बी गिवन, इट हैज टू बी स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन कि कौन से कंडीशन है। तो जैसे अब ये साइड है ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी ए 55 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये तो ये जो बता रहे हैं कि ये एनी क्राइटेरिया से नहीं हो सकता है, ये एक गलत क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड दैट इज नोन एज एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, जो पहला रूल जो है एक्सियम है। ये एक एक्सियम क्या है, एस ए एस, एस ए एस एक्सियम क्या है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का one side are equal to two sides and the included angle of the sorry of the other दूसरे yes. side triangle का, ये पहला triangle ABC है, इस दो side ये side और ये side दिख रहा है, and that equal to this side and this side, the two corresponding sides are equal and दोनों side के बीच वाला angle included angle, ये word को specify किया included angle, इन दोनों के बीच वाला angle ट्राइंगल का जो आज का हमारा ये सत्र रहा, इसमें हमने कॉन्ग्रुएंट की तो ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टीज जो है वो कवर की है, लेकिन जो इसका अगला पार्ट होगा, क्योंकि अब टाइम है कि हम अपने सत्र को समाप्ति की ओर ले चलें, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इसके अगले सत्र में हम कौन सी जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है उन्हें कवर करेंगे। हम एक्चुअली अब स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के, ये हमारा पहला एक्सियम है। एक्सियम मतलब इट इज अ रूल, ये यूज करके हम दूसरे थियोरम्स प्रूव करेंगे कि कौन कौन से थ्री कंडीशन से हमारे ट्राइंगल्स हम प्रूव कर सकते हैं ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है मैम, ठीक है, अगले सत्र में मैम के साथ इसी सत्र को बढ़ाते हुए आगे ज़रूर आप सभी के लिए अगला सत्र भी लाएंगे। वीना प्रकाश मैम का मैं यहाँ पर इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सीनियर पीजीटी हैं मैम मैथमेटिक्स के कैंपियन स्कूल भोपाल से हमारे साथ इस सत्र के लिए जुड़ी। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। थैंक यू ऑल। मैं अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वे इस सत्र से जुड़े हैं, और मैथमेटिक्स के इस रोचक सत्र में आपने बहुत कुछ सीखा और ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ को भी हमने जाना। वीना प्रकाश मैम एक बहुत अच्छी अध्यापक हैं और समझाती सिखाती भी मुझे लगता है बहुत बेहतरीन तरीके से हैं, जिससे कि हम सभी जो है ना एक टॉपिक के मैथ्स के एक टॉपिक को बहुत आसानी से जान पाते हैं। ऐसे में आगे के सत्रों में भी आपके लिए बहुत कुछ खास होगा, और यहाँ हमारा NCERT का जो अगला लाइव इंटरेक्टिव सेशन है वो रहेगा ऑनलाइन प्रशिक्षण का दिन 5। जी हाँ, ऑनलाइन प्रशिक्षण चल रहा है 4 से 5 के सत्र के लिए, और 5वां दिन है कल। हम जानेंगे शैक्षिक प्रौद्योगिकी में उभरते रुझान और शिक्षा के लिए सोशल मीडिया विषय पर बात होगी। बस कुछ ही मिनटों में वो सत्र भी आपके समक्ष होगा। आप ज़रूर हमारे अगले सत्र से भी जुड़ें, और उसके बाद 5 बजे का समय रहेगा सहयोग सत्र का। बस समय है कि अब मैं सृजन राजपूत आपसे अनुमति लूं, लेकिन उससे पहले एक प्रतियोगिता से जुड़ी जानकारी मैं आप सभी के लिए अपनी स्क्रीन के ज़रिए साझा करती हूं। ये है कि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि CIET NCERT इस वर्ष के लिए अखिल भारतीय बच्चों की शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की घोषणा कर चुका है। यदि आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक प्रशिक्षक हैं, छात्र या स्वतंत्र शैक्षिक ई कंटेंट निर्माता हैं, तो आप अपनी प्रतियोगिता के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ ई कंटेंट जो आपकी प्रति है उसे भेजने के लिए आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी और प्रवेश पत्र के लिए आप CIET की वेबसाइट पर जाएं, या फिर आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर हमारी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। जानकारी ये है जो बहुत ज़रूरी है आपके ध्यान रखने के लिए, कि आपकी प्रविष्टियां हमारे पास 20 जनवरी 2024 तक पहुँच जानी चाहिए। आप सभी आमंत्रित हैं, तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी इस प्रतियोगिता से जुड़ें। और अब समय है कि मैं सृजन राजपूत आपसे लूँ अनुमति इस सत्र को ख़त्म करने की। आप सभी यूं ही हमारे CIET NCERT के ज्ञानवर्धक सत्रों से और ई विद्या चैनल नंबर 1 से 12 तक जुड़ते रहें। नमस्कार।